पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों कुशालपुर स्थित ट्रूप इंस्टीट्यूट में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम द्वितीय व तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अर्पित सक्सेना ने बताया, हमारा उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा लेने का हक है और अपना भविष्य बनाकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंस्टीट्यूट के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अर्पित सक्सेना, हमारे संस्थान की प्रवेश परीक्षा ट्रूप इंस्टीट्यूट की प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ था, आज उसका परीक्षा वितरण समारोह है। इस प्रवेश परीक्षा में 350 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। हमारे यहाँ 350 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके तहत हमारी ये स्कीम थी कि 80% से ऊपर जिनके नंबर आएंगे उनको निःशुल्क कंप्यूटर का कोर्स दिया जाएगा। जैसे तो 4 विद्यार्थी निःशुल्क कंप्यूटर के लिए चयन हुए, बाकी स्लैब के अकॉर्डिंग फीस में उनको छूट दी जाएगी प्रवेश के। ये हमारे यहाँ हर 6-6 महीने बाद इस तरीके की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उद्देश्य है कि भारत जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल नेटवर्किंग में आगे बढ़ें और भारत का भविष्य को आगे बढ़ाएं।